हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ा था हिस्ट्री में, हाउ व्हाट वेयर एंड व्हेन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी अर्लीस्ट पीपल हुआ करते थे वो कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, क्या पहनते थे, ये सारा चीज़ जो है हिस्ट्री में हमने पढ़ा था। और हमने आपको फर्स्ट चैप्टर से पहले जो इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें बताया भी था आपसे कि आखिर हिस्ट्री पढ़नी हमें ज़रूरी क्यों होती है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी क्यूरियसिटी होती है, जैसे कि हम जानना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जानना चाहते हैं कि आखिर आज से इतने साल पहले हुआ क्या था। हमारे अंदर जो है क्यूरियसिटी जो है रहती है, तो वो क्यूरियसिटी हमने जानने के लिए फर्स्ट चैप्टर में गए तो कुछ पता लगाया कि जो भी ह्यूमन बीइंग्स थे, एक चिंपैंजी से, एक बंदर से कैसे उनका ह्यूमन में इवोल्यूशन हुआ, और वो जो है थोड़े थोड़े उनके बॉडी पार्ट्स में चेंजेस आते गए और उन्होंने एक तरीके से इंसानों की तरह रहना शुरू किया, और बाद में वो क्या हो गए, हंटर्स एंड गैदरर्स हो गए, और हंटिंग एंड गैदरिंग करते कैसे थे ये सारा डिटेल्स में हमने पढ़ लिया था। अब ये जो चैप्टर है ना, चैप्टर नंबर सेकेंड, जिसका टाइटल है ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। अब वो जो लोग अर्लीस्ट पीपल थे उन्हीं की कहानी को अभी कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर में। तो जब ये कंटिन्यू करेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि आखिर ऐसे क्या रीजंस थे कि अर्लीस्ट जो पीपल थे, हमने पढ़ा कि हिमालयन माउंटेन्स में नहीं, आपके इंडिया का जो विंध्यन माउंटेन है वहाँ पर रहते थे, फिर आपके वेस्टर्न साइड में जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडिया का जो बाउंड्री था, जहाँ पे आपको दो माउंटेन्स देखने को मिलते थे, कौन कौन से माउंटेन थे बताइए आप ज़रा, उन माउंटेन्स में ये लोग रहते थे। उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि गारो हिल्स, नदन, इंडिया का जो नदन ईस्टर्न स्टेट्स है वहाँ मूव कर गए। तो आखिर ये लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते क्या रीज़न था इसके पीछे, तो उनके जो भी हंटर्स थे उनके एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने का पीछे फोर रीजंस काउंट करते हैं। फर्स्ट कैसे क्या क्या रीजंस थे, तो फोर रीजंस हो गए। फर्स्ट रीजन ये है उनके मूव करने का, अगर वो किसी भी प्लेस पे एक जगह रुक जाते लंबे समय तक, सपोज करिए फॉरेस्ट में थे, अगर फॉरेस्ट में वो लंबे समय तक रुक जाएंगे तो आपको नहीं लगता कि फॉरेस्ट के ऊपर में जितने सारे फ्रूट्स होंगे, उनके लीव्स होंगे, कितने दिन में खा के ख़त्म कर रहे हैं, 1 से 2 महीने में खा के ख़त्म कर देता हूँ मैं। तो अगर किसी भी एक प्लेस पर रुक गया, अगर फॉरेस्ट में रुक गया, तो वहाँ के पूरे का पूरा जो फूड आइटम हो क्या हो जाता, ख़त्म हो जाता। अगर रिवर के किनारे होते तो वहाँ पे जितनी सारी मछलियाँ हो गई वो उनको खा के ख़त्म कर देते। फॉरेस्ट में अगर एनिमल्स की ही हंटिंग कर रहे हैं तो वो क्या कर देते, उनको एनिमल्स को हंटिंग करके उनको खा जाते, तो वो ख़त्म हो जाते। तो पहला रीज़न क्या हो गया कि उनको, पहला रीज़न ये हो गया कि अगर वो एक प्लेस पे अगर कभी स्टे हो जाते तो जो अवेलेबल फूड रिसोर्स है वो क्या हो जाता, डिप्लेट हो जाती, डिप्लेट मीन्स पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते, इसलिए उनको मूव करना बहुत जो है ज़रूरी था। अगर आज के ज़माने में आपसे क्वेश्चन किया जाए कि आप एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाते हैं, तो सिंपल से बात है, कोई काम होगा तो जाएंगे। जैसे आप स्टूडेंट हैं, घर से बाहर क्यों निकलेंगे, क्योंकि पढ़ाई करनी है, स्कूल जाना है। मार्केट क्यों जाएंगे, क्योंकि बर्गर खाना है, चाउमीन खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। या फिर क्यों जाएंगे, तो कहीं घूमने जाएंगे किसी रिलेटिव्स के वहाँ, किसी के शादी में, इसी रीज़न से जाते हैं ना। तो आज से 5,000 साल पहले, आज से 10,000 साल पहले जब हंटर्स एंड गैदरर्स हुआ करते थे, तो उनके पास ऐसा कोई रीज़न नहीं था कि उनको किसी के मैरिज सेरेमनी अटेंड करने जाना है, शॉपिंग करने जाना है, स्कूल वगैरह वगैरह जाना है, उनके पीछे अलग ही रीज़न था। तो पहला रीज़न यही था कि अगर वो किसी भी एक प्लेस पर रुक जाते तो अवेलेबल फूड रिसोर्सेज जो हैं डिप्लेट हो जाते। सेकेंड रीज़न ये है कि जो भी एनिमल्स थे, सपोज करिए आप शेर के पीछे दौड़ रहे हैं, तो शेर, आप शेर को अब मारना है तो शेर आपको रुका रहेगा थोड़ा ना एक जगह, वो तो भागेगा ना। तो ये जो हंटर्स थे वो क्या करते थे, सपोज करिए किसी हिरन का पीछा कर रहे हैं तो हिरन भी भागेगा, तो उस हिरन को पीछा पीछा करते करते हंटर्स भी उनके पीछे पीछे चले जाते थे। तो ये जहाँ जहाँ एनिमल्स वहाँ वहाँ ये हंटर्स पहुँच जाते थे, तो इसलिए भी ये जितने भी अर्लीस्ट पीपल थे वो क्या करते थे, मूवमेंट करते थे एक जगह से दूसरे जगह, क्योंकि उनको जानवरों को मारना है। अब जो भी एनिमल्स दौड़ते होंगे, उनके दौड़ते दौड़ने के चक्कर में ये लोग भी दौड़ दौड़ के एक जगह से दूसरे प्लेस पे चले जाते थे। थर्ड रीज़न ये था कि जो भी प्लांट्स थे, क्या हो गए, प्लांट्स,
अब मैंगो जो है विंटर में नहीं ग्रो करेगा, समर में ही ग्रो करेगा, ठीक है। तो जितनी भी सारे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के भी जो फ्रूट्स होते हैं ना, वो डिफरेंट सीजन में ही ग्रो करते हैं, ये तो पता ही होगा सबको। तो अगर किसी प्लांट पे मान लीजिए उनको मैंगो खाने का मन कर रहा है, तो वो समर में ही होगा, तो समर में होगा तो वहाँ विंटर में उस फॉरेस्ट में रुक के क्या करेंगे। तो इसलिए भी रीज़न था कि कुछ ऐसे प्लांट्स, कुछ ऐसे ट्रीज थे जिनके फ्रूट्स जो है ना, दे ग्रो इन द डिफरेंट सीजन्स, सो हैड टू मूव टू द फाइंड दोज। इसीलिए ऐसी ऐसी वैरायटी ऑफ द फ्रूट्स को फाइंड करने के लिए भी उनको जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करना पड़ता था, वो भी सीजन वाइज सीजन। अब जो भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उनको भी वाटर चाहिए ग्रो करने के लिए, इंसानों को भी वाटर ग्रो करने के लिए चाहिए। तो अब कुछ जो रिवर्स है, जैसे इंडिया के अगर नॉर्दर्न साइड में है विंध्यन माउंटेन, देख रहे हैं ना इंडिया के एकदम सेंटर में, तो विंध्यन माउंटेन के अगर नॉर्दर्न साइड में हैं आप, तो वहाँ पे रिवर जो होती है ना, उनमें साल भर उसमें पानी फ्लो करता है। क्यों? क्योंकि हिमालय में जो ग्लेशियर्स है मेल्ट होते हैं, पानी मिल जाता है। यानी वहाँ पे अगर कोई हंटर्स एंड गैदरर्स होते तो उनको पानी की समस्या नहीं होती। लेकिन जैसे ही आप विंध्यन रेंज के साउथ में आइए, आप कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ वाले इलाके में आइए, वहाँ पे जो रिवर्स होते हैं आर सीजनल। सीजनल का मतलब जब बारिश का मौसम आएगा ना, तभी उसमें पानी रहती है, बाकी सूख जाते हैं वो। तो जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स, उनको भी नीड वाटर चाहिए और इंसानों को भी वाटर चाहिए, तो वो क्यों रुकेंगे? अगर सिंपल सी बात है, कोई सीजनल रिवर है, जैसे कावेरी रिवर है, पानी सूख जाता है, तो वहाँ क्यों रहेंगे? वहाँ पे उनको भी प्यास लगेगी ना, तो वो एक जगह से दूसरे जगह मूव कर जाते थे, किसकी तलाश में? वाटर की तलाश में। तो फोर रीजन्स ये हो गए, क्योंकि फोर रीजन्स ऐसे हो गए जिसके थ्रू में, जिसके कारण में इंसान जो है उस टाइम के हंटर्स गैदरर्स एक जगह से दूसरे जगह मूव करते थे। फर्स्ट रीजन क्या बताया? अगर वो एक प्लेस में रुक जाते तो फूड रिसोर्सेज जो है उनका डिप्लेशन हो जाता है, नहीं फार्दर सर्चिंग फूड के लिए जाते थे। सेकेंड, प्लेस टू प्लेस एनिमल्स को फॉलो करते पहुंच जाते थे। थर्ड रीजन क्या था? थर्ड रीजन ये था कि जो भी डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स थे, वो डिफरेंट सीजन में ग्रोज करते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के फूड को ऑब्टेन करने के लिए, पाने के लिए अलग अलग सीजन्स में वो ट्रैवल करते थे। एंड फोर्थ रीजन ये हो गया कि वाटर, जो सीजनल रिवर्स अगर सूख जाती थी, तो उन वाटर को फाइंड करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह में मूव करते थे। तो ये फोर रीजन हो गए, ठीक है। आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ मैं, होमवर्क में ये करना है कि आज के, जैसे आज आपको अगर कहीं घूमने जाना हो, तो क्या फोर रीजन्स आप बताएंगे, क्यों आप जाएंगे बाहर घूमने के लिए, बताइए, ठीक है। चलिए।